अंगरावली के जंगल में अलीगढ़ ढाबा के पीछे को ज्वार के खेत में एक गाय कटी हुई पड़ी है, जिसमें कुछ हड्डी के पीस हैं, कुछ मांस के पीस हैं, उसकी लोज भी सी है, गोबर वगैरह ऐसे है पड़ा हुआ है। भाई यूनिस खान है और इनका ये खेत है। इस खेत में इन्होंने सुबह जब ये अपनी भैंसों के लिए चारा काटने के लिए आए तो इन्होंने यहाँ आकर के देखा कि इस खेत के अंदर कुछ गाय के कटे हुए अवशेष और उनका उसका मांस और खाल इत्यादि चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये भाई डर गया और इन्होंने फ़ोन करके हमें सूचना दी फ़ोन पर गोरक्षकों के लिए कि इस तरीके की कुछ चीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं और आप आकर के देखो। तो हम सब लोग, मैं, रंजन पंडित जी, रामवीर और आप सब लोग भाई, हम यहाँ आए, आकर के हमने ये चीज़ देखी तो हमें ये लगा कि ये किसी न किसी को तस्कर का काम है और इस गाय को यहाँ काटा गया है। फिर उसके अवशेष मिले तो हमने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने आकर के उसके अवशेष यहाँ से बरामद किए। ये यहाँ आए दिन की घटनाएं हो रही हैं। रोज़ाना ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन दो चार गाय इस क्षेत्र में नहीं काटी जाती। अभी माननीय एडिशनल साहब को भी यहाँ लगा दिया है, CO साहब भी यहाँ लगे हुए हैं। प्रशासन कहता है कि हमने क्राइम पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रोज़ाना किसी दिन OLX की घटना हो रही है, किसी दिन किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, किसी दिन बाजार में लूट हो रही है, किसी के साथ कोई मारपीट हो रही है और गाय कटने का तो सिलसिला रोज़ाना यहाँ बढ़ता जा रहा है। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द इस पर लगाम लगाएं और ये अधिकारी, जितने भी यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं, ये राजनीतिक लोगों की चापलूसी करने के बजाय अपने काम पे ध्यान दें, वरना हम लोग इकट्ठा होकर के, मजबूर होकर के, इनको यहाँ से भगाने में देर नहीं करेंगे।